Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy. इस चैप्टर से हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रूप में कर रहे थे और ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक इसके पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जब हम लोग इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वीडियो में, तो उससे मैं डिस्कस करते वक्त मैंने ये अपना एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये एक सजेशन दिया कि हर स्टूडेंट जो है उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो इंग्लिश में भी हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड मतलब समझ कितनी है अंग्रेज़ी की उसकी अलग अलग होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं हमें जो आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस उस कैटेगरी में आते हैं जो बस ऊपर ऊपर का लेवल पे अगर कहानी के बारे में क्लास में बैठ के टीचर बता दिया है ना, और स्टोरी लाइन आप जानते हैं, कैरेक्टर का नाम आपको पता है और कहानी अगर आपके माइंड में अपने भाषा में से है, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आसान लगेगा। जैसे अगर पूछ दिया था कि बॉबी कौन था, हु इज़ बॉबी इन दिस स्टोरी, हाउ ओल्ड वॉज ही, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट जो लोग इस स्टोरी के थ्रू ज़रा सा भी पढ़े होंगे वो तो ये ज़रूर बता देंगे कि बॉबी जो है ऑप्शन में चुन लेंगे कि बॉबी इसका यंगर ब्रदर था जो का, और बॉबी जो है उसकी उम्र स्टोरी में एट प्रेजेंट वो बताई गई है 2 ईयर्स, 2 साल का है वो। और जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि क्लेयर जो थी या जैक और क्लेयर दोनों जो थे वो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब क्लेयर वॉज प्रेग्नेंट, तो वहाँ पर बताया गया था स्टोरी में हाउ मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कितने महीने की प्रेग्नेंट थी वो। तो ये सब क्या है, फैक्ट्स है, ठीक है। कहानी अगर आपको किसी ने मुँह जबानी भी बताई है तो शायद वो ये बता देगा, ज़रूर बताएगा कि 6 महीने की प्रेगनेंसी था क्लियर का, क्योंकि लिखा हुआ है चैप्टर में, है ना। और ये क्वेश्चन कि ये इनका मतलब कौन से नंबर का बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये भी बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि पहले से 2 बच्चे हैं, जो बड़ी है बॉबी उससे छोटा है, तो ये जो बेबी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, ये उनका 3rd बेबी था। ये सब क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर पाएगा, ठीक है। बस एक जो
काम करने हम आपको बोलते हैं वो है ये कि टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज़रूर चाहिए। मैं अपने एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, उनको सुनना चाहिए। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो ये सब जो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा था, ये बच्चों वाले सवाल लगेंगे आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के डाले जाते हैं, क्वेश्चन सेटर्स जो होते हैं वो पहले तो ये देखना चाहते हैं कि कहानी के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। तो पहले ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि कहानी के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। मतलब रॉजर स्कंक का स्मेल कैसा था, तो बैड स्मेल था, और क्या क्या वर्ड यूज़ किया उसके लिए, तो आपको फिर किताब वाला टेक्स्ट बुक वाला वर्ड यूज़ होगा कि ऑफुल वर्ड यूज़ किया था उसके बैड स्मेल के लिए, ऑफुल। और ऑफुल वर्ड अपने आप में वो मतलब एक तरह से समझिए कि हिंदी में जिसको हम लोग विशेषण विशेषता बोलते हैं ना, तो ऑफुल जो है वो विशेषण है एक तरह से हिंदी में, जो लोग हैं समझते हैं। और ये यहाँ लगाया गया है स्मेल के साथ इस स्टोरी में, ऑफुल स्मेल मतलब बैड स्मेल। मगर इस ऑफुल वर्ड का यूज़ सिर्फ स्मेल के साथ नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के साथ किया जा सकता है। जैसे अगर बोल दिया जाए या लिखा जाए कि किसी का जो ड्रेस था वो बहुत ऑफुल था, ऑफुल ड्रेस अगर तुमको बोला जाए, लिखा हुआ मिल जाए, या ऑफुल स्माइल मिल जाए लिखा हुआ, या ऑफुल कंडीशन मिल जाए, ठीक है, ऑफुल सिचुएशन मिल जाए, कोई भी चीज़ में अगर ये ऑफुल वर्ड लग जाता है तो उसका सेंस वो क्या करता है, नेगेटिव। अगर बोलेगा कि जो फोटो बनाया था, पिक्चर जो स्केच किया था वो बहुत ऑफुल पिक्चर था, तो इसका मतलब पिक्चर अच्छा था कि खराब था, खराब था। ऑफुल का मतलब ही होता है खराब। अगर किसी के वॉइस के बारे में बोल दिया जाए कि उसकी आवाज़ ऑफुल आवाज़ थी, तो भी उसका मतलब बताया जा रहा है कि उसकी आवाज़ अच्छी आवाज़ नहीं थी, खराब आवाज़ थी। तो ये वर्ड, अब जो ऑफुल वर्ड है, ये वर्ड जानने के लिए, सीखने के लिए और याद रखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक के लाइंस और वर्ड्स के थ्रू जाना पड़ता है। और वहीं पर उनका मीनिंग मैं लिख भी देता हूँ अपने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, और आपको वहीं पर मैं ये वर्ड्स का मीनिंग्स समझा भी देता हूँ। तो वो जगह, वो चीज़ को आप मतलब बोरिंग चीज़ नहीं समझ करके अगर एक इंटरेस्टिंग मतलब न्यू जानकारी आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स लाइन बाय लाइन, तो इसको अगर तुम सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये तय कर लेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेना कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तुमने पढ़ा है और क्या पढ़ाया गया है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्या इस तरह से पढ़ाया गया है तुम्हें, पहले ये डिसाइड कर लेना। और अगर इसका जवाब तुम्हारे मन में यस आएगा, स्टूडेंट के मन में, कि हाँ सर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़े हैं, या
हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया गया है। तो फिर जो आपने पढ़ा है और जो आपको पढ़ाया गया है ना, वो दोनों का टेस्ट हो जाता है ऐसे जगह पे, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे सीधा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। मतलब वही स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक के थ्रू गए होंगे वो उन क्वेश्चंस को जल्दी और सही आंसर चुन पाएंगे, ये यहाँ पता चलता है। तो ये सेल्फ टेस्ट जो मैं बोलता हूँ उसके लिए होता है, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, ठीक है। और मैं जो जितना क्वेश्चंस मैं बताता हूँ वो तो मैं पहले सॉल्व बताता हूँ, सॉल्व, लेकिन सॉल्यूशन मैं अंत में बताता हूँ। पहले आपको ऑप्शंस पढ़ के बताता हूँ, ऑप्शंस का मीनिंग बताता हूँ, और तब मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो जब मैं जब क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो है, व्हाट इज द मोरल इश्यू, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शंस कितने दिए गए थे, चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ा और तब ये मैंने सॉल्यूशन दिया कि उसको रिलेट करके कि ये मीनिंग सबसे सटीक ऑप्शन है, कि इस स्टोरी का मोरल ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ वर्ड वाइज कर दिया है, चालाक चतुर, तो चालाक और चतुर वर्ड से अच्छा इस जगह पे मीनिंग निकालना है कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सही गलत का, ज़्यादा उनको पहचान होता है और वो ये जानते हैं कि उनके और उनके बच्चों के लिए कौन सा चीज़ बेस्ट है, मतलब कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है। ये मोरल था ये इस कहानी का, क्योंकि बाकी तीनों क्वेश्चंस ऑप्शन जो थे इसमें लिखा है कि कहानी से ये मोरल मिला कि मदर को इंटरफेयर नहीं करने चाहिए बच्चों के काम में, ऐसा तो कोई कहानी में नहीं मिला। फिर ये कि माँ जो होती हैं वो क्रूर होती हैं, मारती पीटती हैं, बिल्कुल कहीं नहीं, जो लोग कहानी पढ़ा होगा टेक्स्ट बाय टेक्स्ट से तो वो लोग ये वर्ड भी कहीं नहीं सुना पढ़ा होगा। और ये जो लिखा है कि बच्चे क्यूट होते हैं और राइट होते हैं, तो ये क्यूट होते हैं ये तो सही लगेगा कि हाँ बच्चा तो भगवान का रूप होता है, क्यूट होता है, लेकिन ये जो राइट वर्ड लगा दिया, ठीक है, ये गलत कर देता है ऑप्शन को। एक क्वेश्चन हमारा इसके पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसमें ये पूछा गया था कि जो 4 साल की बच्ची इस कहानी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को वो बच्चों के बारे में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका आंसर हम लोगों ने चुना था जिसमें एक वर्ड आया था इनोसेंस, और वो आंसर हम लोगों ने सही चुना था। तो ये जो क्यूट वर्ड है बच्चों के बारे में तो ठीक है, लेकिन राइट वर्ड जो है वो गलत है ना। जो मतलब कि 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के जो बच्चे हैं उन सबको रिप्रेजेंट करती है जो, और कहानी में ये बताया गया है कि इस उम्र में इस एज ग्रुप में इनोसेंस जो है वो बच्चों में रहता है। बच्चे हमेशा सही होते हैं इस उम्र में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे करके हम लोग आंसर तब चुन पाएंगे जब अच्छे से चैप्टर पढ़ा गया हो। और मेरे आंसर चुनने से पहले, बताने से पहले, ऑप्शंस पढ़ने के बाद
चारों ऑप्शंस पढ़ लिया, उसके बाद मेरे बताने से पहले आपको जो जो स्टूडेंट है आपको अपना आंसर अपने आप को बता देना है मेरे बताने से पहले कि इस क्वेश्चन का आंसर, चार ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो हम तो बताएंगे ही कि ये वाला सही है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के माइंड में बगैर मेरे बताए या मेरे बताने से पहले अगर वो ऑप्शंस पढ़ करके और आंसर चुनना चाहिए और अगर सही आंसर चुन लेते हैं जिनके बारे में मैं जिसको मैं फिर चुनता हूँ, तो इस तरह से आप टेस्ट कर पाएंगे अपने गहराई को कि आप कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक कितनी गहराई से पढ़े हैं, ये बात आप तय कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग ख़त्म किए थे, 45 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कहानी में जो मोराल है, कहानी का जो मकसद है, उन मकसद में से ये क्वेश्चन बनाया गया है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में हम रखेंगे, है ना, आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। दोज हु हैव गॉन थ्रू द चैप्टर सीरियसली दे कैन आंसर इट क्विकली एंड करेक्टली। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मदर स्कंक वॉन्ट हर सन टू रिटेन हिज आइडेंटिटी। अब मदर स्कंक का नाम सुनकर के चैप्टर तो गेस कर लोगे कि ये शुड विजार्ड हिट वॉली वाली मॉमी वाली मदर है। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, तो बेटा अभी तुम को याद हो जाएगा, रॉजर स्कंक उसका बेटा था। ठीक है, उसके बाद लिखा है वर्ड, ये देखो रिटेन, अब ये वर्ड आ गया रिटेन। अब जिन बच्चों को रिटेन वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो मैं पहले की तरह फिर से बोलता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरह के वर्ड्स का मीनिंग उनको पता होना चाहिए। रिटेन का क्या मतलब होता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानने वाले स्टूडेंट्स में से हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ये वर्ड चैप्टर में कहीं नहीं आया था, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं, और ये बहुत सिंपल वर्ड है, जो जानता होगा वो तो सुन समझ रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानेंगे ना रिटेन वर्ड, और दूसरा वर्ड ये आइडेंटिटी, अगर इसके बारे में भी कहानी में जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाएंगे कि आइडेंटिटी तो मतलब हिंदी इसका करेंगे तो होता है पहचान। ठीक है, ये हो गया पहचान, और ये रिटेन वर्ड का मतलब अगर जान गए तो ही आप फिर सही आंसर तुरंत चुन पाइएगा। तो जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, मान लो रिटेन का मतलब नहीं जानते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अगर वो और ऊपर जाना चाहते हैं तो अभी तो सीख सकते हैं वो। तो मैंने अगर यहाँ रिटेन वर्ड बोला और आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो जब मैं मतलब बताऊंगा तो आपको ना ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स नोट करने चाहिए चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर का नाम लिख दिए ऊपर। ठीक है, वीडियो देखते वक्त, वीडियो लेक्चर देखते वक्त, सुनते वक्त आपको नोटबुक रखना चाहिए एक, वो जो रखना तो सबको चाहिए, लेकिन जो थोड़े
वीकर बैकग्राउंड से हैं इंग्लिश में, उनको स्पेशली मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप बेहतर कर पाइएगा, कि आपके पास नोटबुक रहेगा और आप तुरंत उसमें ये वर्ड लिख लीजिएगा, रिटेन, चैप्टर का नाम। तो एक चैप्टर का जो चैप्टर पढ़ाए ना, उसमें आपको वर्ड्स लिखते जाना है जो मैं वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, और जो जिन वर्ड्स के बारे में बोलता हूँ कि ये वर्ड का मीनिंग याद रखना कंपलसरी है इस कहानी के लिए, तो उनको ना लिखना पड़ेगा वो वर्ड चैप्टर की। इस चैप्टर से इतने वर्ड्स सर बोलताए थे कि एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो रिटेन वर्ड जैसे जिसको नहीं आता है वो लिख लो, लिख करके रख लो नोटबुक में, शुड विजार्ड हिट मॉमी में जितने और वर्ड्स नहीं आते थे उन सब को लिख करके रख लेना और मीनिंग समझना, फिर उनको रिवाइज करना, ये प्रॉपर तरीका है। इस तरीके से तुम लोग चैप्टर्स जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो अपना मजबूत कर सकते हैं अपना जानकारी और अपना जो इंग्लिश का उनका जो बैकग्राउंड है। रिटेन का मतलब होता है अगेन। अब देखो अगेन वर्ड तो सबको ही समझता होगा, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी अगर है तो अगेन वर्ड तो समझता होगा। जैसे अगर आपको बोलेंगे कि समथिंग किसी चीज़ के बारे में, डू इट अगेन या से इट अगेन, तो अगेन का क्या मतलब होता है? फिर से, दोबारा, मतलब एक बार फिर से। तो वही अगेन वर्ड का के जगह लिख दिया गया रिटेन वर्ड, और रिटेन का ही मतलब होता है वापस, पहले जैसा, मतलब अगेन लाइक फॉर्मर टाइम्स, जैसा पहले था वैसा। तो ये रिटेन वर्ड का मतलब हुआ। अब आइडेंटिटी वर्ड का हिंदी मतलब या उसका मीनिंग सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट समझते होंगे कि इसका मतलब पहचान होता है, मगर यहां रॉजर स्कंक का आइडेंटिटी जो उसकी माँ चाहती थी, रॉजर स्कंक की मदर चाहती थी कि उनका बेटा फिर से रिटेन, फिर से अपने आइडेंटिटी को पाले, फिर से उस वो अपने आइडेंटिटी में आए। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर रह पाएंगे जिनको, जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर्स देखा है और जहाँ मैंने बताया है या किसी भी टीचर ने अगर बताया हो आपको कि यहाँ रॉजर स्कंक का आइडेंटिटी है उसका बैड स्मेल, ये हम एकदम श्योर एक्सप्लेन किए थे कि सब कोई का अपना पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है ना। तो मदर स्कंक जो मम्मी थी रॉजर स्कंक की, उसके पास जब रॉजर स्कंक गया था गुलाब वाली खुशबू के साथ, तो मदर कैसे रिएक्ट की थी? एकदम बुरा सा मुँह बनाई थी और बोली थी कि ऑफुल वर्ड यूज़ की थी कि कैसा बदबू आ रहा है कहीं से, या अगर सीधे बोले तो वो रॉजर स्कंक को बोलती है कि अपने बेटों को कि बहुत बदबू आ रहा है तुमसे, जबकि वो रोजेज का स्मेल था, बदबू तो पहले आता था, लेकिन वही बदबू
किसी भी स्कंक का, स्कंक क्रिएचर जो है, तो स्कंक का अगर पूछा जाए कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो मैंने समझाया था अच्छे से कि स्कंक का आइडेंटिटी होता है उसका बैड स्मेल। अगर आप किसी से उसका आइडेंटिटी छीन लेंगे तब वो फिनिश हो जाएगा, तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि मदर स्कंक जो है वो क्यों ऐसा चाहती है और करती भी है, जिस पर जो को ऑब्जेक्शन होता है कि, और उसी पर जो बोलती है स्टूपिड मॉमी। क्यों? क्योंकि मदर स्कंक वापस अपने बेटे को ले जाती है किसके पास? विजार्ड के पास। और उसका जो बैड स्मेल था, आइडेंटिटी, वो फिर से रिटेन करवा देती है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों करवाई? ऑप्शंस देखो, अभी अब जैसे आंसर हम चुने नहीं, तो ऑप्शंस देखो। और मेरे आंसर बताने से पहले जो स्टूडेंट ऑप्शन में अपना आंसर गेस कर लेना, और अगर मेरे बताने के बाद सही हुआ आपका गेस, तब मतलब है कि आप लाइन पे हैं इस चैप्टर में, ठीक है? अदरवाइज आपको पढ़ने की ज़रूरत है फिर। तो आइडेंटिटी क्यों मेंटेन करवाना चाहती थी रॉजर स्कंक की मम्मी? क्यों चाहती थी कि एक स्कंक को स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए, वो उसका आइडेंटिटी होता है। ऑप्शंस में दिया है, शी इज एन एडल्ट, पहला ऑप्शन, कि रॉजर की मम्मी जो थी वो तो एडल्ट थी ना, बड़ी थी, एडल्ट का मतलब। तो एडल्ट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि बच्चों के बारे में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो वो एक एडल्ट थी क्या, इसीलिए उसने रॉजर स्कंक के बैड स्मेल को वापस करवाया? दूसरा ऑप्शन, हैज़ अ मैच्योर थिंकिंग, मतलब कि मदर स्कंक का थिंकिंग जो था वो मैच्योर थिंकिंग था, इसीलिए उसने, अब मैच्योर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग सब समझता है, सोच, लेकिन मैच्योर वर्ड का मतलब होता है यही एडल्ट लोग का सोच, बच्चों का सोच और एडल्ट लोग का सोच में फर्क होता है ना। एडल्ट्स मैच्योरिटी से सोचते हैं, बच्चे चाइल्डनेस में सोचते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि मदर स्कंक एडल्ट थी इसलिए वो जानती थी कि आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा कि उसका, मदर स्कंक का थिंकिंग मैच्योर था इसीलिए वो जानती थी कि आइडेंटिटी क्या है। और तीसरा, वांटेड हर सन टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज। और तीसरा कि उसकी मम्मी ने उसका बैड वाला स्मेल वापस इसलिए करवाया क्योंकि वो चाहती थी कि बाकी क्रिएचर्स उसके बेटे को स्वीकार करे, एज इट इज, जैसा वो है वैसे ही मैं स्वीकार करे, ऐसा वो चाहती थी, इसीलिए वापस से स्मेल करवा दिया था, करवा दी थी वैसे। और लास्ट ऑप्शन है, ऑल दीज, मतलब कि ये सभी ऑप्शंस सही हैं और ये सभी ऑप्शंस के कारण मदर जो है वो स्कंक का बैड स्मेल वाला आइडेंटिटी वापस करवाती है। अब देखो इसका आंसर, अब जैसे अब तुम लोग को, अब स्टूडेंट्स को सोच लेना चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए इसमें। और अब आंसर जब हम बताएंगे तो उसके पहले आपका आंसर चुना हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो ये अगर ध्यान दें कि जितने भी ऑप्शंस ए बी और सी में दिया हुआ है ये सारे ऑप्शंस सही हैं, ये सारे कारण
सही हैं और इन सारे कारणों को मिला दिया जाए तो वही मतलब निकलता है जिसके वजह से मदर स्कंक ने आइडेंटिटी अपने बेटे का फिर से बैड वाला स्मेल कर दिया था। तो ऑल दीज वाला आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब जिन लोगों को मैंने टाइम दिया सोचने का, अगर आप में से कोई ऑल दीज उसमें से चुना होगा तो मतलब है कि वो जानता है, समझ है उसको कहानी का। और जो अगर फंस रहा होगा यहाँ, फंस रहा होगा, तो इसका मतलब है कि नहीं जानता है वो कहानी को, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से टेस्ट होता है कि कहानी आप कितना डीपली जानते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।